कई दार्शनिकों ने ये कहा है कि इंसान इस धरती पर अपने भाग्य का निर्माता है, परंतु उनमें से अधिकांश ये कहना भूल गए कि वो अपने भाग्य का निर्माता क्यों है। इस अध्याय में ये अच्छी तरह से समझाया गया है कि इंसान अपने भाग्य का, खासकर आर्थिक भाग्य का निर्माता किस तरह से बन सकता है। इंसान स्वयं का और अपने आसपास के माहौल का निर्माता बन सकता है, क्योंकि उसके पास अपने अंतर मन को प्रभावित करने की क्षमता है। चाहत को धन के रूप में रूपांतरित करने की तकनीक में आत्म सुझाव का प्रयोग शामिल है, जिसके द्वारा इंसान अपने अंतर मन तक पहुंच सकता है और प्रभावित कर सकता है। बाकी के सिद्धांत सिर्फ औजार हैं जिनके द्वारा आत्म सुझाव का प्रयोग किया जा सकता है। इस विचार को अपने मन में रखें और आप हमेशा सचेत रहेंगे कि आत्म सुझाव आपकी भौतिक सफलता में कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है, और इस पुस्तक में बताए गए तरीकों से आत्म सुझाव की मदद से आप अपने प्रयासों से कितना अधिक धन कमा सकते हैं। जब आप पूरी पुस्तक पढ़ लें तो आप दोबारा इस अध्याय पर लौटें और भावना एवं कार्य की दृष्टि से इस निर्देश का अनुसरण करें। संपूर्ण अध्याय को हर रात को एक बार जोर से पढ़ें, जब तक कि आपको ये पूरी तरह से विश्वास न हो जाए कि आत्म सुझाव का सिद्धांत दमदार है और ये आपके लिए वो सब हासिल कर सकता है जिसके बारे में दावा किया गया है। जब आप पढ़ें तो हर उस वाक्य को रेखांकित कर लें जिसने आपको प्रभावित किया है। इस निर्देश का पूरी तरह से पालन करें और ये बताएं कि सफलता के सिद्धांतों को आप पूरी तरह से कैसे समझ सकते हैं और उन्हें अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। विशिष्ट ज्ञान, निजी अनुभव या अवलोकन। दौलतमंद बनने की ओर चौथा कदम। ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, पहला सामान्य ज्ञान और दूसरा विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान चाहे जितना भी अधिक हो, संपत्ति के संग्रह के मामले में यह बहुत अधिक उपयोगी नहीं होता है। इंसान के पास सामान्य ज्ञान के जितने भी रूप हो सकते हैं, सभी बड़े विश्वविद्यालयों में ये सभी रूप में पाए जाते हैं। अधिकतर प्रोफेसरों के पास बहुत कम धन होता है। ज्ञान देना उनकी विशिष्टता होती है, लेकिन वो इस ज्ञान के संगठन और इसके उपयोग के विशेषज्ञ नहीं होते। ज्ञान धन को आकर्षित नहीं करता है जब तक कि धन को अर्जित करने का लक्ष्य न बनाया जाए तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य की व्यवहारिक योजना बनाकर इस ज्ञान को संगठित न किया जाए और बुद्धिमानी पूर्वक इसका प्रयोग न किया जाए। इस तथ्य की समझ का अभाव ही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से अधिकांश लोग इस धारणा में विश्वास रखते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है। ऐसा कोई नियम नहीं है। ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। ये शक्ति तभी बनती है जब इसे कार्य की निश्चित योजनाओं में संगठित किया जाए और किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसका उपयोग किया जाए। शिक्षा के सभी तंत्रों में मिसिंग लिंक यही है कि शैक्षणिक संस्थाएं अपने विद्यार्थियों को यह सिखाने में असफल रहती हैं कि ज्ञान के हासिल हो जाने के बाद वे अपने ज्ञान को संगठित कैसे करें तथा उसका उपयोग कैसे करें। कई लोग ये मानने की गलती करते हैं, क्योंकि हेनरी फोर्ड बहुत कम समय के लिए स्कूल गए थे इसलिए उनके पास शिक्षा कम थी। जो लोग ये गलती करते हैं वो दरअसल शिक्षा का सही अर्थ नहीं समझ पाए हैं। एजुकेशन शब्द लैटिन शब्द एजुको से बना है, जिसका अर्थ है बाहर लाना या अंदर से विकसित करना। ये जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति शिक्षित हो जिसके पास सामान्य या विशिष्ट ज्ञान पर्याप्त मात्रा में हो। शिक्षित आदमी वो होता है जिसने अपने मन को इस तरह से विकसित कर लिया है कि वो जो चाहता है उसे हासिल कर सकता है, और इस प्रक्रिया में वो दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाता है। यानी वो इस बात का ध्यान रखता है कि उसकी स्वतंत्रता वहां खत्म होती है जहां से अगले की नाक शुरू होती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शिकागो के एक अखबार ने कुछ संपादकीय छापे जिसमें अन्य बातों के अलावा इस बात का भी जिक्र था कि हेनरी फोर्ड एक अज्ञानी अमन पसंद है।
फोर्ड ने इस वक्तव्य पर अपनी आपत्ति जताई और उस अखबार के खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दिया। जब मुकदमा कोर्ट में चला तो अखबार के वकीलों ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए फोर्ड को गवाही के लिए बुलाया, ताकि जूरी के सामने ये साबित किया जा सके कि फोर्ड अज्ञानी है। वकीलों ने फोर्ड से बहुत सवाल किए जिनसे ये साबित हो सके। हालांकि उनके पास कार बनाने का विशिष्ट ज्ञान था, लेकिन बाकी सभी मामलों में उन्हें कतई कोई ज्ञान नहीं था। फोर्ड से कुछ इस तरह के सवाल दागे गए जिससे उन्हें नीचा दिखाया जा सके। बेनेडिक्ट आर्नल्ड कौन थे और 1776 के विद्रोह से निपटने के लिए ब्रिटेन ने कितने सैनिकों को अमेरिका भेजा था? सारे प्रश्नों को सुनने के बाद अंतिम प्रश्न का फोर्ड ने कुछ इस तरह जवाब दिया, मुझे ब्रिटेन द्वारा भेजे गए सैनिकों की सटीक संख्या तो पता नहीं है, परंतु मुझे ये जरूर मालूम है कि जितने लोग वहां गए थे उनमें से बहुत कम वापस लौटे। अंततः फोर्ड इस तरह के बेहुदा प्रश्नों के जवाब देते देते थक गए और उन्होंने एक अजीब से सवाल का जवाब कटघरे में आगे तरफ झुकते हुए विरोधी वकील की तरफ उंगली दिखाते हुए दिया, आपके द्वारा पूछे गए बेहुदा प्रश्नों का जवाब अगर मैं सचमुच देना चाहूं तो मेरे ऑफिस की मेज पर कई बटन लगे हुए हैं, जिन्हें दबाकर मैं अपनी सहायता के लिए ऐसे आदमियों को बुला सकता हूं जो उस विषय के प्रकांड विद्वान हैं, जिनसे मैं उस विषय पर जितने प्रश्न पूछूंगा वो उन सब के सटीक उत्तर दे देंगे। क्या आप मुझे बताएंगे कि जब मेरे नजदीक ऐसे लोग मौजूद हैं जो मेरे हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, तो मैं इन प्रश्नों के उत्तर मालूम करने के लिए अपने मन में ढेर सारे सामान्य ज्ञान का अध्ययन क्यों करूं? इस जवाब में निसंदेह दम था। इस जवाब से वकील की हालत खस्ता हो गई। इस जवाब को सुनकर अदालत में बैठे हर व्यक्ति को यह एहसास हो गया कि ऐसा जवाब कोई शिक्षित व्यक्ति ही दे सकता है, कोई अशिक्षित व्यक्ति तो कभी नहीं। मेरी नजर में हर वो व्यक्ति शिक्षित है जो ये जानता है कि जरूरत के समय उसे इस विषय का ज्ञान कहां से मिलेगा और उसे कार्य के रूप में उपयोग कैसे किया जा सकता है। अपने मास्टरमाइंड समूह के सहयोग से हेनरी फोर्ड के पास वो सारा विशिष्ट ज्ञान था जिसकी उन्हें अमेरिका का सबसे धनी व्यक्ति बनने के लिए जरूरत थी। ये जरूरी नहीं है कि वो सारा ज्ञान उनके दिमाग में ही हो। एंड्रयू कार्नेगी ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें निजी तौर पर स्टील व्यवसाय के तकनीकी पक्ष के बारे में कतई कोई जानकारी नहीं थी, ना ही उन्हें यह सीखने की कोई रुचि थी। उन्हें सिर्फ उत्पादन और बिक्री के विशिष्ट ज्ञान की जरूरत थी और उन्हें ये मास्टरमाइंड समूह के व्यक्तियों से प्राप्त हो गया। महान भाग्य का संचय करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है और शक्ति उस संगठित विशिष्ट ज्ञान से प्राप्त होती है। अगला पैराग्राफ उन लोगों को विश्वास और उम्मीद दे सकता है जिन्हें इतनी अधिक जरूरी विशिष्ट शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाई जितना किसी कार्य के लिए जरूरी है। कभी कभी कुछ लोग इतनी जरूरी औपचारिक शिक्षा न मिलने पर हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। वो व्यक्ति जिसे ये पता होता है कि मास्टरमाइंड समूह के लोगों से वो जानकारी प्राप्त की जा सकती है जो किसी विशेष कार्य के जरिए धन अर्जित करने के लिए जरूरी है। थॉमस एल्वा एडिशन को ही देख लीजिए। उन्हें स्कूल में पढ़ने का मात्र 3 महीने का ही मौका प्राप्त हुआ। उन्हें कभी शिक्षित होने की कमी नहीं खली और ना ही उनकी गरीबी में मृत्यु हुई। हेनरी फोर्ड को भी बहुत ही कम शिक्षा प्राप्त हुई, परंतु उन्होंने काफी धन अर्जित कर लिया। एडिशन और फोर्ड को अधिक औपचारिक शिक्षा से वंचित होना पड़ा, फिर भी वो सफल हुए। ये तथ्य आज के युवा लोगों को बीच में पढ़ाई छोड़ देने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है। आज के दौर में व्यापार की अच्छी शुरुआत करने के लिए एक नियत औपचारिक शिक्षा की खास जरूरत होती है। बेशक ये लोग अपवाद हैं। वेंडी रेस्टोरेंट की श्रृंखला खोलने वाले देव थॉमस ने भी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, पर सफलता हासिल करने के बाद उन्होंने युवाओं को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया, यहां तक कि वो खुद इसका उदाहरण बने और अपना हाई स्कूल का डिप्लोमा पढ़ाई छोड़ने के 45 वर्ष बाद हासिल किया। उन्होंने जर्नल एजुकेशन डेवलपमेंट GED की परीक्षा में बैठे और उसे उत्तीर्ण किया। ये परीक्षा लगभग हाई स्कूल के समक्ष थी। उन्हें ये डिप्लोमा उनके समुदाय के एक विशेष समारोह में दिया गया। थॉमस ने उस दिन
विद्यालय के 500 विद्यार्थियों को संबोधित किया। हाई स्कूल की शिक्षा बीच में छोड़ने की वजह से मैं बहुत परेशान रहा। मुझे ऐसा लगता था कि अब बहुत देर हो चुकी है, परंतु अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शिक्षा अर्जित करने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। उम्मीद है कि ये अन्य लोगों को भी प्रेरित करेगा। डिप्लोमा हासिल करने के लिए प्रेरणा उन्हें तब मिली जब वे अपनी जीवनी डेव्स वे को प्रमोट करने के लिए देश के विभिन्न भागों में कार्यक्रमों में शामिल होते थे। कई शहरों में वो हाई स्कूल के पास पत्रकारों से मिलते और बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते। पर उन्होंने बताया कि ये हाई स्कूल पास पत्रकार बड़े चालाक होते हैं। वो अक्सर मुझसे पूछते थे, जब आप ये कहते हो कि शिक्षा बहुत जरूरी है, फिर आपने अपनी पढ़ाई बीच में ही क्यों छोड़ दी? आपकी करनी और कथनी में इतना फर्क क्यों है? सच बताऊं, मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं हाई स्कूल डिप्लोमा लेकर ही दम लूंगा। अब उनका उद्देश्य उन लोगों को शिक्षा जारी रखने के लिए बढ़ावा देना है जिन्होंने किसी कारणवश बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है, क्योंकि शिक्षा हासिल करने के लिए कभी देर नहीं होती है। मैं लोगों को बताता हूं कि अपनी उतनी पढ़ाई कर लें जितनी आप कर सकते हैं। मैंने पढ़ाई छोड़ने के 45 वर्षों के बाद डिप्लोमा हासिल किया। सच ही तो है, शिक्षा हासिल करने के लिए कभी देर नहीं होती। थॉमस ने आगे जोड़ा, अब तक मेरी जिंदगी में प्राप्त उपलब्धियों में ये सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये जानना जरूरी है कि ज्ञान को कैसे खरीदा जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये जान लें कि आपको किस विशिष्ट ज्ञान की जरूरत है। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप उस ज्ञान से कौन सा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। बहुत हद तक जीवन में आपका प्रमुख लक्ष्य वो लक्ष्य है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। ये तय करेगा कि आपको किस ज्ञान की आवश्यकता है। इस प्रश्न का जवाब मिल जाने के बाद आपका अगला कदम यह होगा कि आप वो सही जानकारी हासिल कर लें और इस ज्ञान के विश्वसनीय स्रोतों को खोजें। इनमें से अधिक महत्वपूर्ण है, नंबर 1, अपना अनुभव और शिक्षा, नंबर 2, दूसरों के सहयोग, मास्टरमाइंड सहयोग के द्वारा उपलब्ध अनुभव शिक्षा, नंबर 3, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, नंबर 4, सार्वजनिक पुस्तकालय। इंसान ने अब तक जितना ज्ञान हासिल किया है वो सारा ज्ञान पुस्तकों और पीरियोडिकल्स के द्वारा हासिल किया जा सकता है। नंबर 5, विशेष प्रशिक्षण कोर्स, खास तौर पर नाइट स्कूल और होम स्टडी स्कूल्स। जब ज्ञान हासिल किया जाए तो उसके बाद अपने निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनाकर उसे प्रयोग में लाया जाए। फिर ये जाने कि वो विशिष्ट ज्ञान आपको किन विश्वसनीय स्रोतों से मिल सकता है। हर क्षेत्र में सफल लोग अपने प्रमुख लक्ष्य बिजनेस या प्रोफेशन से संबंधित विशिष्ट ज्ञान हासिल करते ही रहते हैं। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। जो लोग सफल नहीं हैं, वो आमतौर पर इस गलत फहमी के शिकार होते हैं कि स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद सीखने का दौर समाप्त हो जाता है। सच्चाई ये है कि स्कूल की पढ़ाई तो सिर्फ विद्यार्थी का ही रास्ता भर है जिसके द्वारा व्यवहारिक ज्ञान हासिल किया जा सकता है। आज का युग विशिष्टता का युग है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट डायरेक्टर रॉबर्ट पी मूर ने इस सच्चाई को एक अखबार में रेखांकित किया था। कई वर्षों बाद रोजगार देने वाली कंपनी के सलाहकारों ने बताया कि नियोक्ता जो कैंपस में नौकरी के लिए छात्रों को हायर करने जाते हैं, वो किसी विशेष क्षेत्र जैसे बिजनेस, बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री जैसे विषयों की पढ़ाई किए होते हैं, उन्हें तवज्जो देते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को बड़ी जल्दी ही उत्पादन में लगाया जा सकता है, बजाय उन विद्यार्थियों के जिन्होंने कला की व्यापक किंतु उत्पादन के लिहाज से अनुपयोगी पढ़ाई की है। कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनमें बहुत योग्यता होती है, पर 18 से 20 वर्ष की उम्र में वो निश्चित नहीं होते, जिस वजह से वो किसी विशिष्ट कोर्स को नहीं चुन पाते हैं जिनसे उनका करियर बन सके। इनमें से कई लोगों ने ग्रेजुएशन में विविध पढ़ाई करने के बावजूद पोस्ट ग्रेजुएशन में करियर उपयोगी शिक्षा हासिल कर सकते हैं। इस पुस्तक के युवा पाठकों को किसी करियर उपयोगी कोर्स के लिए तब तक नहीं भागना चाहिए जब तक कि वे इसके अवसरों और नुकसान की संपूर्ण जानकारी नहीं हासिल कर लेते हैं। कई यूनिवर्सिटी और कॉलेज
इन सभी के बारे में गाइडेंस उपलब्ध कराते हैं, जिससे विद्यार्थी अपने लिए सही निर्णय ले सके। अगर ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है तो विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों के बारे में अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए और अधिक से अधिक उन लोगों से बात करनी चाहिए जो इस तरह के क्षेत्रों में कार्यरत हैं। हर करियर को यूनिवर्सिटी डिग्री की जरूरत नहीं होती। आज के दौर में कुछ अलग तरह के ट्रेनिंग कोर्सेज भी उपलब्ध हैं। कई यूनिवर्सिटी ने उन लोगों के एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किए हैं जिन्हें करियर उपयोगी ज्ञान की जरूरत है। कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी उन लोगों के लिए चलाती है जिन्हें अपनी कौशल को अतिरिक्त उपयोगी बनाना होता है। ये कोर्स अधिकांशतः शाम को या फिर सप्ताहांत में होते हैं, जिससे नौकरी पेशा व्यक्ति भी शामिल हो सके। होम स्टडी प्रोग्राम को डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, जो पत्राचार या फिर इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होते हैं। इस तरह की शिक्षा का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपके पास जब भी वक्त हो आप पढ़ सकते हैं। अगर इस तरह के कोर्स सावधानी से चुने गए हैं तो ये आपको स्पष्टीकरण और अधिक जानकारी के लिए मेल में बहुमूल्य उपयोगी शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां रहते हैं। अगर आपके पास स्वयं का अनुशासन है तो आप इन प्रोग्राम से वो विशिष्ट ज्ञान अर्जित कर उस बर्बाद हुए अवसर की भरपाई कर सकते हैं जो स्कूलिंग के समय पर मुफ्त में उपलब्ध थी। होम स्टडी प्रोग्राम खासकर उन लोगों के लिए है जो फिर स्कूल जाकर नहीं पढ़ सकते और नौकरी करते हुए अतिरिक्त विशिष्ट ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। आजकल लगातार बदल रही अर्थव्यवस्था के कारण ये हजारों लोगों के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि उनके पास पैसा कमाने के अन्य साधन भी होने चाहिए। ऐसा कब समय आ जाए कि उन्हें नौकरी से हाथ गंवाना पड़े और उन्हें नई नौकरी की तलाश करनी पड़ जाए। कभी कभी कोई सामान नहीं बिक रहा होता है तो अच्छा व्यापारी उस सामान को दूसरे प्रोडक्ट के साथ बेच देता है जिसकी अधिक डिमांड होती है। अगर उनकी सर्विस अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रही है तो उन्हें अपने प्लान में बदलाव करने की जरूरत होती है जहां से उन्हें बेहतर परिणाम हासिल हो सके। जिन लोगों ने स्कूलिंग के बाद सीखना छोड़ दिया वो लोग संपूर्ण जीवन मध्यम वर्गीय जीवन यापन करते हैं। सफलता का द्वार लगातार सीखने के रास्ते से खुलता है। आइए एक विशिष्ट उदाहरण लेते हैं। ग्रोसरी स्टोर के एक सेल्समैन ने अचानक अपने आप को बेरोजगार पाया क्योंकि उसके पास बुककीपिंग का कुछ अनुभव था, इसलिए उसने अकाउंटिंग का कोर्स किया। उसने अपने आप को बुककीपिंग और ऑफिस उपकरणों के नवीनतम रूपों से परिचित करवाया और उसने खुद का बिजनेस शुरू करने की दिशा में कदम रखा। उसने अपने काम की शुरुआत उसी ग्रोसर से की जिसके लिए वो पहले काम किया करता था। इसके बाद उसने 100 से अधिक व्यापारियों से कॉन्टैक्ट किया कि वो उनका हिसाब किताब रखेगा और बदले में नाम मात्र का मासिक शुल्क लेगा। उसका विचार इतना व्यवहारिक था कि जल्दी ही उसे एक छोटे डिलीवरी ट्रक में एक पोर्टेबल ऑफिस बनाना पड़ा जिसमें आधुनिक बुककीपिंग वाहनों का एक दस्ता है और उसके पास सहयोगियों का एक बड़ा स्टाफ है जिनके द्वारा वो छोटे व्यापारियों को बहुत कम कीमत में बहुत ज्यादा और बहुत उम्दा अकाउंटिंग सेवा देता है। विशिष्ट ज्ञान और कल्पना वे तत्व हैं जिनके कारण ये अद्भुत एवं सफल बिजनेसमैन बन पाया। पिछले साल इस बिजनेस के मालिक ने जितना इनकम टैक्स चुकाया वो उस आमदनी से 10 गुना था जो उसे तब होती थी जब वो ग्रोसरी की दुकान में सेल्समैन हुआ करता था। इस सफल बिजनेस की शुरुआत सिर्फ एक विचार से हुई। बेरोजगार सेल्समैनों को ये विचार देने के बाद मैं अब एक और विचार देना चाहता हूं जिसमें इससे भी ज्यादा आमदनी की संभावना है। ये विचार उस सेल्समैन द्वारा सुझाया गया था जिसने सेलिंग छोड़ दी और वो होलसेल स्तर पर बुककीपिंग के बिजनेस में गया। जब उसकी बेरोजगारी की समस्या के बारे में ये प्लान सुझाया गया तो उसने तुरंत कहा, मुझे विचार पसंद आया परंतु मैं नहीं जानता कि इसे कैश में कैसे बदला जाए। दूसरे शब्दों में उसने शिकायत की कि बुककीपिंग का ज्ञान हासिल करने के बाद उसे ये मालूम नहीं था कि उसकी मार्केटिंग कैसे की जाए। इसलिए उसकी एक और समस्या थी जिसे सुलझाया जाना था। एक युवा महिला टाइपिस्ट की मदद से इसने पूरी कहानी लिखी और एक बहुत आकर्षक पुस्तक तैयार की जिसमें बुककीपिंग के नए सिस्टम के लाभों का वर्णन किया गया था। सभी पृष्ठों को सुंदरता से टाइप किया गया
और एक साधारण स्क्रैप बुक में लगा दिया गया, जिसमें नए बिजनेस की कहानी इतने प्रभावी ढंग से कही गई थी कि इसके मालिक के पास इतने ज्यादा अकाउंट आ गए कि उन्हें संभालने में उसे बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। देश भर में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्हें ऐसे मार्केटिंग विशेषज्ञ की सेवाओं की जरूरत है जो उनकी व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग कर सके और उनके लिए एक आकर्षक बायोडेटा तैयार कर सके। यहां पर जो विचार दिया जा रहा है वो आवश्यकता की उपज था, आपातकालीन परिस्थिति में उठाया गया कदम था, परंतु इससे एक और अधिक लोगों का भला हुआ। वो महिला जिसके दिमाग में ये विचार आया, उसकी कल्पना शक्ति बहुत पैनी थी। उसने तत्काल समझ लिया कि इस विचार में एक नए प्रोफेशन को शुरू करने की ताकत थी, जिसके द्वारा उन हजारों लोगों की सेवा की जा सकती थी जिन्हें व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग करने के लिए प्रैक्टिकल मार्गदर्शन की जरूरत थी। जब इस महिला को व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग करने के अपने पहले प्लान में तत्काल सफलता मिली तो उसे प्रेरणा मिली। इसके बाद उस ऊर्जावान महिला ने अपने पुत्र की इसी तरह की समस्या का समाधान खोजा। उसका पुत्र अभी अभी कॉलेज से निकला था, परंतु उसे नौकरी नहीं मिल पा रही थी। उस महिला ने अपने पुत्र के लिए जो मार्केटिंग प्लान बनाया वो व्यक्तिगत सेवाओं को बेचने का मेरे द्वारा लिखा गया सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जब प्लान पुस्तिका पूरी हुई तो इसमें टाइप किए हुए 50 पेज थे और संपूर्ण जानकारी दी गई थी। इस प्लान पुस्तिका में यह भी बताया गया था कि उसके पुत्र को किस तरह का पद चाहिए। इसके अलावा इसमें यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया था कि वो उस पद पर किस तरह काम करेगा। प्लान पुस्तिका की तैयारी में कई सप्ताह की मेहनत लगी, जिस दौरान उस महिला ने अपने पुत्र को हर दिन सार्वजनिक लाइब्रेरी में भेजा, जहां से वो अपनी नौकरी से जुड़ी हुई सर्वश्रेष्ठ किताबों से डेटा लेकर आता। उसने अपने पुत्र को उसके संभावित नियोक्ता के सभी प्रतियोगिताओं के पास भी भेजा और ये महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करवाई कि उनके लिए बिजनेस की कौन सी विधियां महत्वपूर्ण हैं। प्लान बनाने में ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई, क्योंकि इसके द्वारा ये जाना गया कि वो अपने अपेक्षित पद पर। हम इसे रूटीन में फंसना भी कह सकते हैं, जिसका अर्थ ये है कि हमें इसकी आदत पड़ जाती है, इसलिए हम अपनी तकदीर को स्वीकार कर लेते हैं और डेली रूटीन की आदत डाल लेते हैं। यह आदत अंततः इतनी प्रबल हो जाती है कि हम इससे बाहर निकलने की कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। ये एक और कारण है जिसकी वजह से हमें सबसे नीचे के पायदान से एक या दो पायदान ऊपर से शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा करने से आदमी ये आदत डाल लेता है ताकि वो अपने चारों तरफ देख सके कि लोग किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, फिर वो अवसरों को पहचान सके और उन्हें गले लगाकर बिना झिझक आगे बढ़ सके। डैन हेल्पिन का उदाहरण एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अपने कॉलेज के दिनों में वो प्रसिद्ध 1930 नेशनल चैंपियनशिप नोट्रे डेम फुटबॉल टीम के मैनेजर थे, जब ये स्वर्गीय न्यूट रोकने के निर्देशन में थी। हेल्पिन ने बड़े ही निराशाजनक समय में अपना कॉलेज पूरा किया, क्योंकि उस वक्त मंदी के कारण नौकरियां कम हो गई थी। इसलिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और मोशन पिक्चर्स में हाथ पांव मारने के बाद उन्होंने अपने भविष्य की संभावना का पहला कदम पहचाना, कमीशन बेसिस पर बिजली की हियरिंग एड्स बेचना। लगभग 2 सालों तक उसने ये काम लगातार किया, हालांकि वो इस काम को कतई पसंद नहीं करता था और वो कभी ऊपर नहीं उठ पाया होता अगर उसने अपने असंतोष को दूर न किया होता। उसने सबसे पहले तो वो लक्ष्य बनाया कि वो अपनी कंपनी का असिस्टेंट सेल्स मैनेजर बने और उसे ये नौकरी मिल गई। ऊपर की तरफ उठाए गए इस कदम ने उसे भीड़ के इतना ऊपर उठा दिया जिससे वो अधिक बड़े अवसर को देख पाया। इसके अलावा उसने अपने आप को इतना ऊपर उठा लिया था जहां अवसर उसे देख सके। उसने अपने हियरिंग एड बेचने के मामले में इतना शानदार रिकॉर्ड बनाया था कि प्रतिद्वंदी कंपनी डिक्टोग्राफ प्रोडक्ट्स कंपनी के चेयरमैन ओ.एम. एंड्रयूज ने यह जानना चाहा कि आखिर डैन हेल्पिन नाम का ये आदमी कौन है जो लंबे समय से काम कर रही डिक्टोग्राफ कंपनी की सेल्स इतनी कम करवा रहा है। उसने हेल्पिन को मिलने के लिए बुलाया। जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो हेल्पिन नया सेल्स मैनेजर बन गया, जिसे अकॉस्टिकन डिवीजन का चार्ज दे दिया गया था।
फिर ये देखने के लिए कि युवा हेल्पिन किस मिट्टी का बना है, मिस्टर एंड्रयूज 3 महीने के लिए फ्लोरिडा चले गए और हेल्पिन को सूखे हाल पर छोड़ दिया। चाहे वो डूबे या मरे, वो डूबा नहीं। न्यूट रोकने की भावना सारी दुनिया उगते हुए सूरज को प्रणाम करती है, डूबते हुए सूरज को कोई देखता भी नहीं। ने उसे प्रेरित किया, उसने अपने काम को इतने बढ़िया ढंग से किया कि वो अपनी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया। ये एक ऐसा पद था जिसे अधिकांश लोग 10 साल की निष्ठा भरी मेहनत के बाद हासिल करके गर्व का अनुभव करते हैं। हेल्पिन को यह पद 6 महीने से भी कम में मिल गया था। इस पूरी फिलॉसफी में मैं इस बिंदु पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम चाहें तो हम उन परिस्थितियों को नियंत्रण करने में सक्षम हैं जिनके द्वारा हम ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं या नीचे ही बने रहते हैं। इस बात पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूं कि सफलता और असफलता दोनों ही बहुत हद तक आदत का परिणाम है। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि अमेरिका के महानतम फुटबॉल कोच के साथ करीबी रूप से जुड़े रहने के कारण डैन हेल्पिन के मन में सर्वश्रेष्ठ बनने की प्रबल इच्छा थी, जिसने नोट्रडेम फुटबॉल टीम को विश्व प्रसिद्ध बनाया। यह सच है कि हीरो का अनुसरण एक बहुत अच्छा विचार है, बशर्ते आप विजेता का अनुसरण करें। असफलता और सफलता दोनों ही स्थितियों में बिजनेस सहयोगी महत्वपूर्ण होते हैं। इस सिद्धांत में मेरा विश्वास तब सही साबित हुआ जब मेरा पुत्र ब्लेयर डैन हेल्पिन के साथ एक पद के बारे में चर्चा कर रहा था। प्रतियोगी कंपनी उसे जितनी तनख्वाह देती, श्रीमान हेल्पिन ने उसके सामने प्रारंभ में उससे आधी तनख्वाह का प्रस्ताव रखा। मैंने अपने पुत्र पर पिता की हैसियत से भावनात्मक दबाव डाला और उसे राजी कर लिया कि वो श्रीमान हेल्पिन के साथ काम करे। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरा विश्वास है कि ऐसे आदमी के साथ करीबी संबंध बनाना एक अमूल्य अनुभव है जो परिस्थितियों के साथ कभी समझौता नहीं करता। इस लाभ को धन से नहीं तौला जा सकता है। अपने कौशल को बढ़ाकर ऊंचाइयों पर पहुंचना सिर्फ व्यापार के लोगों तक ही सीमित नहीं है। माइकल जॉर्डन हर कदम में बड़ी मेहनत की, जिसकी वजह से वो अपने युग के सबसे महान एथलीट्स में से एक बने। उनके पास जीतने के लिए दृढ़ शक्ति थी और खुद को शेप में रखने के लिए, अपना बेस्ट खेलने के लिए असीम इच्छा शक्ति थी। वो दिन प्रतिदिन अपने मानकों को ऊंचा करने और अपने रिकॉर्ड को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध थे। जॉर्डन ने बचपन में ही यह तथ्य सीख लिया था। हाई स्कूल में उन्हें टीम से निकाल दिया गया था, पर उनकी टीम में वापस लौटने की प्रतिबद्धता ने उन्हें अधिक अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया, जो वे आज भी अनुसरण करते हैं। वे हर कदम को चुनौती की तरह लेते हैं और हर नए वर्ष को उम्मीदों की तरह स्वागत करते हैं। खेल से कुछ वर्ष दूर रहने के पश्चात जब उन्होंने बास्केटबॉल में वापसी की तो उनके आलोचकों ने कहना शुरू कर दिया कि उनका शिखर का वक्त जा चुका है, अब वो धीरे पड़ गए हैं और कोई भी चैंपियनशिप जीत नहीं सकते। उन्होंने इस आलोचना को चुनौती की तरह लिया। वे और अधिक मेहनत करने लगे, हमेशा से अधिक। उन्होंने पर्सनल ट्रेनर के साथ 1 वर्ष का ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान किया, जिसमें जिम पर और अधिक मेहनत करने लगे। उन्होंने पाया कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे शरीर के लक्षण आपको बताने लगते हैं कि शरीर को किस तरह ऐसे शेप में लाया जा सकता है जिससे चैंपियनशिप स्तर पर लगातार खेला जा सके। परिणाम बहुत बढ़िया निकले। जॉर्डन ने अपनी पहली टीम को 1996 और 97 के चैंपियनशिप में जीत दिलाई और खुद दोनों ही वर्ष मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब भी ले गए। माइकल जॉर्डन की दृढ़ता हमें यह सिखाती है कि किस तरह प्रतिबद्ध होकर अपने उम्र और अपने आलोचकों से आगे बढ़ा जा सकता है। प्रतिबद्धता सिर्फ पहला कदम है, इसके बाद कठिन परिश्रम, शारीरिक और मानसिक व्यायाम भी बहुत जरूरी है जो आपको शिखर पर पहुंचा सकता है। नीचे से शुरू करना ठीक नहीं है। किसी भी आदमी के लिए निचला स्थान बोरियत भरा, भयावह और लाभहीन स्थान है। इसलिए मैंने इस बारे में इतने विस्तार से बताया है कि अगर सही योजना बनाई जाए तो नीचे से शुरुआत करने को किसी तरह रोका जा सकता है। जिस महिला ने अपने बेटे के लिए पर्सनल सर्विस सेल्स प्लान बनाया था,
उसे देश भर से लोगों के ये आग्रह मिले कि वो उनके लिए भी इस तरह के प्लान बना दे। ये सभी लोग उसके सहयोगी थे ताकि उन्हें अपनी व्यक्तिगत नौकरियों के बदले अधिक धन प्राप्त हो सके। हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि उस महिला की योजना सिर्फ चतुराई भरी सेल्समैनशिप थी जिसके द्वारा वो उन लोगों को उन्हीं के सेवाओं के बदले में अधिक धन दिलवाती थी जिन्हें वो पहले कम दामों में बेच रहे थे। वो व्यक्तिगत सेवाओं के विक्रेता के अलावा उनके खरीदार का भी ध्यान रखती थी और इसलिए वो इस तरह की योजना बनाती थी जिससे नियोक्ता को उस अतिरिक्त धन के बदले में पूरा मूल्य मिले। अगर आपके पास कल्पना है और अगर आप अपनी व्यक्तिगत सेवाओं के बदले में अधिक लाभदायक विकल्प खोज रहे हैं तो ये सुझाव आपके लिए प्रेरक साबित हो सकता है। इस विचार से इतनी अधिक आमदनी संभव है जो औसत डॉक्टर, वकील या इंजीनियर को भी नहीं होती जिसने कॉलेज में कई साल तक अपने विषय की शिक्षा हासिल की है। दमदार विचारों की कोई निश्चित कीमत नहीं होती। सारे विचारों के पीछे विशेषज्ञ ज्ञान होता है। दुर्भाग्य से जिन लोगों के पास प्रचुरता में धन नहीं होता उनके लिए विचारों की तुलना में विशिष्ट ज्ञान अधिक प्रचुर मात्रा में होता है और अधिक आसानी से हासिल किया जा सकता है। इस सच्चाई के कारण उस आदमी की शाश्वत मांग रहती है और उस आदमी के सामने अथाह अवसर होते हैं जो व्यक्तिगत सेवाओं को बेचने में लोगों की मदद करने में सक्षम है। सक्षमता का अर्थ है कल्पना, वो गन जो विशिष्ट ज्ञान के अवसरों से जोड़ता है, एक ऐसी व्यवस्थित योजना के रूप में जिसका लक्ष्य होता है अधिक धन प्रदान करना। अगर आप में कल्पना है तो ये अध्याय आपको एक विचार प्रदान कर सकता है जिससे आपको वो दौलत मिलनी शुरू हो जाएगी जिसकी आप इच्छा रखते हैं। याद रखें, विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशिष्ट ज्ञान आपको कहीं भी मिल सकता है, यानी किसी भी चौराहे पर या गली में। कल्पना, मन की कार्यशाला, दौलतमंद बनने की ओर पांचवा कदम। कल्पना वास्तविकता में वो कार्यशाला है जहां इंसान द्वारा बनाए गए सभी प्लान सही आकार में ढलते हैं। यहां मन की कल्पना शक्ति द्वारा संवेग या चाहत को आकार रूप और कार्य रूप दिया जाता है। ये कहा गया है कि इंसान जिस चीज की कल्पना कर सकता है उसको वास्तविक रूप भी दे सकता है। अपनी कल्पना शक्ति की मदद से इंसान ने पिछले 50 वर्षों के दौरान प्रकृति की शक्तियों को जितना खोजा है, उनका जितना दोहन किया है, उतना इससे पहले मानव जाति के पूरे इतिहास में नहीं हुआ। उसने हवा को पूरी तरह से जीत लिया है और उड़ने के मामले में पक्षियों को बुरी तरह पीछे छोड़ दिया है। उसने करोड़ों किलोमीटर दूर सूर्य का घर मालूम कर लिया है और उसका ये विश्लेषण कर लिया है तथा कल्पना की मदद से ये निर्धारित कर लिया है कि ये किन तत्वों की मदद से बना है। उसने वाहनों की गति बढ़ा ली है और अब वो 600 मील प्रति घंटा से भी अधिक की रफ्तार से यात्रा कर सकता है। तर्क की दृष्टि से इंसान की इकलौती सीमा उसकी कल्पनाशीलता का विकास और प्रयोग को लेकर है। वो अपनी कल्पना शक्ति के प्रयोग के विकास के शिखर पर अभी भी नहीं पहुंचा है। उसने तो सिर्फ ये खोज की है कि उसके पास कल्पनाशीलता है और उसने बहुत ही प्रारंभिक तरीके से इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया है। कल्पना के दो रूप। कल्पना दो तरीके से काम करती है। एक तरीका है संश्लिष्ट कल्पना और दूसरा है रचनात्मक कल्पना। संश्लिष्ट कल्पना, संश्लिष्ट कल्पना शक्ति के द्वारा इंसान पुरानी अवधारणाओं, विचारों एवं योजनाओं को नए कॉम्बिनेशन में व्यवस्थित कर सकता है। इस शक्ति से कुछ नहीं रचा जाता बल्कि ये केवल अनुभव, शिक्षा और अवलोकन की वस्तु के हिसाब से कार्य करती है। आविष्कार करने वाले लोग अधिकतर इसी शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसका अपवाद सिर्फ जीनियस है जो अगर संश्लिष्ट कल्पना द्वारा अपनी समस्या को नहीं सुलझा पाता तो वो रचनात्मक कल्पना शक्ति का सहारा लेता है। रचनात्मक कल्पना,
रचनात्मक कल्पना शक्ति के द्वारा इंसान का सीमाबद्ध मन असीम शक्ति से सीधा संपर्क करता है। ये वो शक्ति है जिसके द्वारा प्रेरणा और आभास प्राप्त किए जाते हैं। इस शक्ति के द्वारा सभी मूलभूत या नए विचार इंसान को प्रदान किए जाते हैं। इसी शक्ति के द्वारा कोई इंसान दूसरे इंसानों के अंतर्मन के साथ संवाद कर सकता है। रचनात्मक कल्पना अपने आप काम करती है, जिसका वर्णन आगे आने वाले पृष्ठों में किया गया है। ये शक्ति तभी कार्य करती है जब तार्किक मन बहुत तेज गति से काम कर रहा हो। उदाहरण के तौर पर, तार्किक मन प्रबल इच्छा के भाव के द्वारा प्रेरित होता है। रचनात्मक कल्पना शक्ति के प्रयोग के द्वारा जितना विकसित किया जाता है, ये उतनी ही चौकस रहती है। बिजनेस, उद्योग, फाइनेंस के महान लीडर और महान कलाकार, संगीतकार, कवि और लेखक महान इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्होंने रचनात्मक कल्पना की शक्ति को विकसित कर लिया है। कल्पना की संश्लिष्ट और रचनात्मक शक्तियां प्रयोग के द्वारा अधिक सशक्त बन जाती हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह शरीर की कोई मांसपेशी या अंग उपयोग के द्वारा सुदृढ़ बन जाता है। इच्छा केवल एक विचार है, एक संवेग है, ये धुंधली और क्षणिक है, यह अमूर्त और अव्यवहारिक है तथा इसलिए इसका तब तक कोई मूल्य नहीं है जब तक कि इसे भौतिक रूप में नहीं बदल दिया जाता। क्योंकि इच्छा के संवेग को धन में रूपांतरित करने की प्रक्रिया में संश्लिष्ट कल्पना का प्रयोग अधिकतर किया जाएगा, इसलिए आपको इस तथ्य को अपने दिमाग में रखना चाहिए कि आपको ऐसी परिस्थितियों और स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिनमें आपको रचनात्मक कल्पना के प्रयोग की भी आवश्यकता हो। हो सकता है कि प्रयोग के अभाव में आपकी कल्पना शक्ति थोड़ी कमजोर हो गई हो। इसे प्रयोग के द्वारा फिर से जगाया जा सकता है और सशक्त बनाया जा सकता है। ये शक्ति कभी नहीं मरती। हालांकि ये संभव है कि प्रयोग के अभाव में ये सोई हुई हो। फिलहाल संश्लिष्ट कल्पना के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि यही वो शक्ति है जिसके प्रयोग के द्वारा आप अपनी इच्छा को धन में रूपांतरित कर पाएंगे। इच्छा के अमूर्त संवेग को धन के मूर्त यथार्थ में रूपांतरण के लिए आपको योजना बनानी होगी। ये योजना या योजनाएं कल्पना की सहायता से बनाई जानी चाहिए और मुख्य रूप से संश्लिष्ट कल्पना के माध्यम से ऐसा किया जाना चाहिए। संपूर्ण पुस्तक को पढ़ लें और फिर इस अध्याय पर आएं और तत्काल अपनी कल्पना को योजना बनाने के काम में लगा दें, जिसके द्वारा आपकी इच्छा धन में रूपांतरित हो सके। योजनाओं के बनाने के लिए विस्तृत निर्देश लगभग हर अध्याय में दिए गए हैं। इनमें से जो निर्देश आपकी आवश्यकताओं के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ लगें, उनका पालन करें। और अगर आपने पहले से ही ऐसा ना किया हो तो आप अपने प्लान को लिख लें। जिस क्षण आप इसे पूरा कर लेते हैं, उसी क्षण आप निश्चित रूप से अमूर्त इच्छा को मूर्त रूप दे देते हैं। पिछले वाक्य को एक बार और पढ़ें, इसे जोर से पढ़ें, धीमी गति से। और जब आप ऐसा करें तो याद रखें कि जिस क्षण आप अपनी इच्छा के वक्तव्य या इसकी प्राप्ति की योजना को लिख लेते हैं, उसी वक्त आप दरअसल पहला कदम उठा लेते हैं, जिसकी मदद से आप अंततः अपने विचारों को इसके भौतिक रूप में बदल पाएंगे। धरती, जहां आप रहते हैं, आप और हर भौतिक वस्तु विकासवादी परिवर्तन का परिणाम है, जिसके द्वारा पदार्थ के सूक्ष्म कण क्रमबद्ध रूप में सुव्यवस्थित और नियोजित किए गए हैं। यही नहीं, और वो वक्तव्य अत्यंत अमहत्वपूर्ण है, ये धरती आपके शरीर की कई बिलियन कोशिकाओं में से प्रत्येक और पदार्थ का हर अणु ऊर्जा के अमूर्त रूप में प्रारंभ हुआ था। इच्छा एक विचार संवेग है, विचार संवेग ऊर्जा का रूप है। जब आप धन कमाने के विचार संवेग या इच्छा से प्रारंभ करते हैं तो आप अपनी सेवा में उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हैं जिनके द्वारा प्रकृति ने इस धरती की रचना की है और इस ब्रह्मांड के हर पदार्थ और आकार की रचना की है, जिसमें वो शरीर और मन भी शामिल है
जिसमें विचार संवेग कार्य करते हैं। आप उन नियमों की मदद से अमीर बन सकते हैं जो अपरिवर्तनीय हैं, परंतु पहले आपको इन नियमों से परिचित होना चाहिए और उनका प्रयोग करना सीखना चाहिए। लेखक की ये आशा है कि अगर इन सिद्धांतों को बार बार दोहराया जाए और इनका हर संभव कोण से वर्णन किया जाए तो शायद आपके सामने वो रहस्य प्रकट हो जाएं जिसके द्वारा ढेर सारी दौलत इकट्ठी की जाती है। वो अजीब और विरोधाभासी लगता है कि ये रहस्य दरअसल रहस्य नहीं है। प्रकृति इस धरती पर इसका विज्ञापन करती है जिसमें हम रहते हैं। हमारी धरती, सितारे, ग्रह, हमारे ऊपर और चारों तरफ मौजूद तत्व, घास का हर तिनका और हमारी आंखों को दिखाई देने वाला हर जीवित प्राणी इसी रहस्य को उजागर करते हैं। आगे आने वाले सिद्धांत कल्पना की समझ का रास्ता खोल देंगे। जब आप पहली बार इस फिलॉसफी को पढ़ें तो आप जितना समझ सकें उसे ग्रहण कर लें। इसके बाद इसे दोबारा पढ़ें और तब आप पाएंगे कि ऐसा कुछ हुआ है जिस वजह से ये अधिक स्पष्ट हो गई है, और तब आपको संपूर्ण स्थिति की अधिक व्यापक समझ प्राप्त होगी। सबसे बड़ी बात यह कि आप इन सिद्धांतों के अध्ययन में न रुकें और न ही झिझकें जब तक कि आप इस पुस्तक को कम से कम 3 बार पूरा न पढ़ लें, क्योंकि इसके बाद आप इस पुस्तक को पढ़ना कभी बंद नहीं करेंगे। विचार अमीरी का शुरुआती बिंदु है। विचार कल्पना द्वारा पैदा होते हैं। आइए हम कुछ सुपरिचित विचारों का परीक्षण करें जिनसे बहुत सारी दौलत कमाई गई है। ऐसी आशा है कि इन उदाहरणों से आपको उस तरीके के बारे में निश्चित जानकारी मिल जाएगी जिसके द्वारा कल्पना का प्रयोग अमीर बनने में किया जा सकता है। काफी साल पहले एक बूढ़ा देहाती डॉक्टर शहर में आया। उसने अपना घोड़ा बांधा और धीरे से वो एक दवाई की दुकान में पिछले दरवाजे से घुस गया और युवा ड्रग क्लर्क से चर्चा करने लगा। 1 घंटे तक बूढ़ा डॉक्टर और क्लर्क धीरे धीरे बातें करते रहे। फिर डॉक्टर बाहर गया। वो अपनी बग्घी के पास पहुंचा और उसने उसमें से एक बड़ी सी पुरानी केतली, एक बड़ा लकड़ी का पैडल निकाला जिसका प्रयोग केतली के सामान को हिलाने में किया जाता था, और उसने इन चीजों को स्टोर के पिछवाड़े में रख दिया। क्लर्क ने केतली की जांच की, अपनी अंदर की जेब में हाथ डालकर नोट निकाले और डॉक्टर को दे दिए। क्लर्क ने डॉक्टर को कुल $500 दिए थे जो उसकी पूरी बचत थी। डॉक्टर ने क्लर्क को एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिया जिस पर एक गोपनीय फॉर्मूला लिखा हुआ था। उस छोटे से कागज पर लिखे हुए शब्द किसी राजा के खजाने के बराबर कीमती थे, परंतु डॉक्टर के लिए नहीं। ये जादुई शब्द केतली का उबलना शुरू करने के लिए आवश्यक थे, परंतु न तो डॉक्टर और न ही क्लर्क ये जानते थे कि इस केतली से कितना अथाह धन बरसेगा। बूढ़ा डॉक्टर केतली को $500 में बेचकर बहुत खुश था। क्लर्क अपने पूरे जीवन की बचत को एक कागज के टुकड़े और एक पुरानी केतली के लिए दांव पर लगाकर बहुत जोखिम ले रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके निवेश से केतली जब उबलेगी तो उसमें से पिघला हुआ सोना बहेगा जो एक दिन अलादीन के चिराग के चमत्कारी प्रदर्शन को भी पीछे छोड़ देगा। क्लर्क ने दरअसल जो खरीदा था वो एक विचार था। पुरानी केतली और लकड़ी का पैडल तथा कागज पर लिखा हुआ एक गोपनीय संदेश तो साथ में मिले थे। केतली का चमत्कारी प्रदर्शन तब होना शुरू हुआ जब इसके नए मालिक ने गोपनीय निर्देशों के साथ एक ऐसा तत्व मिलाया जिसके बारे में डॉक्टर कुछ नहीं जानता था। सोचकर देखिए कि क्या आप बता सकते हैं कि वो क्या था जो उस युवक ने गोपनीय संदेश के साथ मिलाया था जिसकी वजह से केतली से सोना बरसने लगा। यहाँ पर आपको एक ऐसी वास्तविक कहानी बताई जा रही है जो कल्पना से भी अधिक हैरान करने वाली है। तथ्य की कहानी जो एक विचार के रूप में प्रारंभ हुए। आइए हम सोने के उस विशाल ढेर की तरफ देखें जो इस विचार से उत्पन्न हुए। इसने बहुत धन कमाया है और आज भी ये दुनिया भर में उन लोगों को बहुत धन कमा कर दे रहा है जो केतली की सामग्री को करोड़ों लोगों तक पहुंचा रहे हैं। पुरानी केतली आज दुनिया में शक्कर के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है, और इस वजह से
हजारों लोगों को गन्ना उगाने का, शक्कर बनाने का और बेचने का रोजगार उपलब्ध करा रही है। पुरानी केतली हर साल करोड़ों कांच की बोतलों को काम में लाती है, जिससे कांच का काम करने वाले बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है। पुरानी केतली पूरे देश में क्लर्क, स्टेनोग्राफर्स, कॉपीराइटर्स और एडवर्टाइजिंग विशेषज्ञों की फौज को रोजगार देती है। इसने उन दर्जनों कलाकारों को दौलत और शोहरत दिलाई जिन्होंने इस प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हुए बेहतरीन पिक्चर्स बनाई हैं। पुरानी केतली एक छोटे से दक्षिणी शहर को दक्षिण की बिजनेस राजधानी बना दिया है, जहां ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शहर के हर बिजनेस और हर नागरिक को लाभ पहुंचाती है। इस विचार के प्रभाव अब दुनिया के हर सभ्य देश को लाभ पहुंचाता है और इसे छूने वाले हर आदमी को सोने की बहती हुई धारा में से हिस्सा मिलता है। केतली से बरसते सोने ने दक्षिण के एक प्रसिद्ध कॉलेज को बनाया, जहां हजारों युवक और युवतियां सफलता के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। अगर पीतल की ये पुरानी केतली बोल सके तो ये हर भाषा में रोमांस की रोचक कहानियां सुनाएगी। प्रेम का रोमांस, बिजनेस का रोमांस, प्रोफेशनल पुरुषों और महिलाओं का रोमांस, जो इसके द्वारा प्रतिदिन प्रेरित होते हैं। लेखक कम से कम एक ऐसे रोमांस के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि वो इसका एक हिस्सा रहा है और ये उस स्थान से ज्यादा दूर नहीं हुआ था जहां से ड्रग क्लर्क ने पुरानी केतली खरीदी थी। यहां पर लेखक अपनी पत्नी से मिला था और उसी ने लेखक को इस जादुई केतली के बारे में पहली बार बताया था। उस समय भी वो इस केतली में उबलने वाला सामान पी रहे थे। जब लेखक ने उससे पूछा था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आप कोई भी हो, आप कहीं भी रहते हो, आप कोई भी काम करते हो, भविष्य में इतना याद रखें कि जब आप कोका कोला शब्द सुने तो आप ये याद कर लें कि दौलत और प्रभाव का ये साम्राज्य एक विचार से शुरू हुआ था और ड्रग क्लर्क आशा कैलेंडर ने उस गोपनीय फॉर्मूले के साथ जो रहस्यमय तत्व मिलाया था वो था कल्पना। ठहरिए और इसके बारे में एक पल सोचिए। यह भी याद रखें कि अमीरी के जो कदम इस पुस्तक में बताए गए हैं उन्हीं के सहारे कोका कोला का प्रभाव दुनिया के हर शहर, कस्बे, गांव और चौराहों पर फैला है और आपके मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाला हर विचार जो कोका कोला की तरह दमदार और संभावनापूर्ण हो दुनिया भर की प्यास बुझाने वाले इस रिकॉर्ड की बराबरी कर सकता है। अगर मुझे $10,00,000 मिल जाएं, तो मैं क्या करूंगा? ये कहानी उस पुरानी कहावत की सच्चाई सिद्ध करती है, जहां चाह वहां राह। ये मुझे प्रिय शिक्षाविद और धर्मोपदेशक स्वर्गीय फ्रैंक डब्ल्यू गुंसालेस ने सुनाई थी, जिन्होंने शिकागो के स्टॉक यार्ड वाले क्षेत्र में धर्मोपदेशक का अपना करियर शुरू किया था। जब गुंसालेस कॉलेज में पढ़ता था तो उसे हमारे शिक्षा तंत्र में कई दोष नजर आए। उसे विश्वास था कि अगर वो कॉलेज का प्रमुख बन जाए तो वो इन दोषों को दूर कर सकता है। उसने अपने मन में ये ठान लिया कि वो एक नया कॉलेज बनाएगा जिसमें वो अपने विचारों को आजमाएगा और शिक्षा के पारंपरिक तरीके से हटकर कुछ करेगा। उसे अपने इस प्रोजेक्ट के लिए $10,00,000 की जरूरत थी। वो इतनी बड़ी रकम कहां से जुटा पाएगा? यही सवाल उस महत्वाकांक्षी युवा धर्म उपदेशक के विचार में हर पल कौंधता रहता था, परंतु वो इस दिशा में कोई प्रगति नहीं कर पा रहा था। हर रात वो अपने बिस्तर पर इस विचार के साथ सोता था, हर सुबह इसी विचार के साथ वो नींद से जागता था। वो जहां भी जाता था ये विचार उसके साथ साथ जाता था। वो इसे लगातार अपने दिमाग में बिठाता रहा जब तक कि ये विचार प्रबल दीवानगी में नहीं बदल गया। दार्शनिक और धर्मोपदेशक होने के कारण डॉक्टर गुंसालेस ये बात समझते थे जो जीवन में सफल होने वाले सभी लोग समझते हैं, कि लक्ष्य की निश्चितता ही वो शुरुआती बिंदु है जहां से इंसान को शुरुआत करनी चाहिए। वो ये भी जानते थे कि लक्ष्य निश्चित हो जाने के बाद वे जीवंत हो जाते हैं, उनमें जीवन और शक्ति का संचार होता है, खासकर तब जब उनके पीछे इस लक्ष्य को इसके भौतिक रूप में रूपांतरित करने की एक धधकती हुई इच्छा हो।
वे इन सारी महान सच्चाइयों को जानते थे, परंतु वे ये नहीं जानते थे कि उनके पास $10,00,000 कहां से आएंगे। आमतौर पर इसका स्वाभाविक तरीका यही होता है कि वो हार मान लेते और ये कहकर प्रयास करना छोड़ देते, मेरा विचार तो अच्छा है परंतु मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसके लिए आवश्यक $10,00,000 नहीं जुटा सकता। अधिकांश लोगों ने बिल्कुल यही कहा होता, परंतु डॉक्टर गोंसाल्विस ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने जो कहा और उन्होंने जो किया वो इतना महत्वपूर्ण है कि मैं अब उन्हें खुद ही अपनी बात कहने देता हूं। शनिवार की दोपहर मैं अपने कमरे में बैठा हुआ सोच रहा था कि अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिए मैं किस तरीके से आवश्यक धनराशि जुटाऊंगा। लगभग 2 सालों तक मैं सोचता ही रहा था, परंतु मैंने सोचने के अलावा कुछ नहीं किया था। अब कर्म करने का समय आ चुका था। मैंने तभी अपना मन बना लिया था कि मैं 1 सप्ताह में $10,00,000 की राशि जुटा लूंगा। कैसे? मैं ये धनराशि निश्चित समय सीमा में जुटाऊंगा। मुझे आश्वस्त करने वाली एक अजीब सी राहत महसूस हुई जो मुझे इससे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। मेरे अंदर जैसे कोई कह रहा था, तुम इस निर्णय पर बहुत पहले क्यों नहीं पहुंचे? ये धनराशि लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रही है। घटनाएं तेजी से हुई। मैंने अखबार वालों को बुलाया और कहा कि मैं अगली सुबह एक व्याख्यान दूंगा जिसका शीर्षक होगा, अगर मेरे पास $10,00,000 हो तो मैं क्या करूंगा। मैं तत्काल व्याख्यान तैयार करने में जुट गया, परंतु मैं आपको सच बताऊं, ये काम मुश्किल नहीं था क्योंकि मैं इस व्याख्यान को लगभग 2 साल से तैयार कर रहा था। आधी रात के काफी पहले मैंने व्याख्यान लिखना समाप्त कर लिया। मैं बिस्तर पर गया और विश्वास की अनुभूति के साथ सोया, क्योंकि मैं देख सकता था कि मेरे पास $10,00,000 मौजूद थे और मैं उनका स्वामी था। अगली सुबह मैं जल्दी उठा, बाथरूम में गया, व्याख्यान को पढ़ा और अपने घुटने टेके और पूछा कि क्या मेरा प्रवचन किसी ऐसे आदमी का ध्यान आकर्षित कर सकता है जो आवश्यक धनराशि प्रदान कर सके। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे वही आश्वस्त करने वाली अनुभूति एक बार फिर हुई कि धनराशि आने ही वाली है। मैं इतना रोमांचित था कि मैं व्याख्यान को साथ ले जाना भूल गया और मुझे ये बात तब तक नहीं पता चली जब तक कि मैं श्रोताओं के सामने खड़ा होकर उसे शुरू करने के लिए तैयार नहीं हो गया। अब अपने नोट्स लाने का वक्त नहीं था और उन्हें घर पर भूल आना मेरे लिए वरदान साबित हुआ। नोट्स के बजाय मेरे अंतर्मन ने मुझे मेरी जरूरत का सारा सम्मान प्रदान किया। जब मैं अपना प्रवचन शुरू करने के लिए खड़ा हुआ तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैं अपने सपनों के बारे में अपने दिल और आत्मा से बोला। मैंने ईश्वर से भी बात की। मैंने बताया कि अगर यह धनराशि मेरे हाथों में रख दी जाए तो मैं $10,00,000 से क्या कर सकता था। मैंने वो योजना विस्तार से बताई जो मेरे मन में थी। मैंने बताया कि मैं किस तरह की महान शैक्षणिक संस्था बनाने जा रहा हूं जहां युवा लोग व्यवहारिक चीजें करना सीखेंगे और साथ ही उनके मस्तिष्क का विकास भी होगा। जब मैंने भाषण समाप्त कर लिया और मैं बैठ गया तो पीछे की तीसरी पंक्ति से एक आदमी धीरे से अपनी कुर्सी से उठा और मेरी तरफ आगे बढ़ा। मैं हैरान था कि वो क्या करने के लिए मेरे पास आ रहा है। वो मंच पर आया, उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मुझे आपका भाषण पसंद आया। मुझे विश्वास है कि आपने जो कहा है वो आप सचमुच कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास $10,00,000 हो। यह सिद्ध करने के लिए आप में और आपके प्रवचन में मुझे विश्वास है, मैं आपको $10,00,000 दे सकता हूं अगर आप कल सुबह मेरे ऑफिस में आ जाएं। मेरा नाम फिलिप डी आमर है। युवा गोंसाल्विस मिस्टर आमर के ऑफिस पहुंचे और उसे $10,00,000 मिल गए। उस धनराशि से उसने आमर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की नींव डाली, जिसे अब इलिनॉय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ये $10,00,000 उसके पास एक विचार के परिणाम के रूप में आए। इस विचार के पीछे एक इच्छा जिसे युवा गोंसाल्विस अपने दिमाग में लगभग 2 सालों से पाल रहा था। इस महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ ध्यान दीजिए, जब वो अपने मन में निश्चित निर्णय पर पहुंच गया और उसने इसे हासिल करने की एक निश्चित योजना पर अमल करने का फैसला किया, उसके 36 घंटे बाद ही
उसे ये धनराशि मिल गई। $10,00,000 के बारे में युवा गोंसाल्विस के अस्पष्ट चिंतन और धुंधली आशा के बारे में कुछ नया या अद्भुत नहीं है। उसके पहले और उसके बाद भी बहुत से लोगों के मन में इसी तरह के विचार आए थे, परंतु उस यादगार शनिवार को जब वो अपने निर्णय पर पहुंचा तो उस निर्णय में कुछ भिन्न और अभूतपूर्व था। जब उसने अस्पष्टता को अलग हटा दिया और निश्चितता से कहा, मैं एक सप्ताह में यह धनराशि जुटा लूंगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस सिद्धांत ने डॉक्टर गोंसाल्विस को $10,00,000 दिलाए थे, वो सिद्धांत आज भी जीवित है। यह सिद्धांत आपके लिए भी काम कर सकता है। ये शाश्वत नियम आज भी उतने ही काम का है जितना कि ये पहले उस युवा धर्मोपदेशक के काम का था जिसे अपने इरादों में जबरदस्त कामयाबी मिली थी। ये सोचें कि आशा कैलेंडर और डॉक्टर फ्रैंक के बीच में एक बात समान थी। दोनों ही इस प्रबल सत्य को जानते थे कि निश्चित योजना की शक्ति के द्वारा विचारों को नकदी में बदला जा सकता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ये विश्वास करते हैं कि सिर्फ कड़ी मेहनत और ईमानदारी से ही अमीरी आ जाएगी, तो इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दें। ये सच नहीं है। अमीरी जब भी प्रचुरता में आती है तो ये सिर्फ कड़ी मेहनत की बदौलत नहीं आती। अमीरी निश्चित मांग की प्रतिक्रिया के स्वरूप आती है और ये कुछ निश्चित सिद्धांतों के प्रयोग पर आधारित है। इसका किस्मत या भाग्य से कोई लेना देना नहीं है। आमतौर पर विचार ही कल्पना के सहारे कर्म को प्रेरित करता है। सभी मास्टर सेल्समैन का जहां सामान नहीं बिक सकता, वहां विचार बिक सकते हैं। औसत सेल्समैन इस बात को नहीं जानते, इसलिए वो औसत सेल्समैन होते हैं। कम कीमत की पुस्तकों के एक प्रकाशक ने एक खोज की जो आमतौर पर सभी प्रकाशकों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उसने सीखा कि कई लोग पुस्तक के अंदर के शब्दों को नहीं खरीदते हैं, बल्कि वो शीर्षक खरीदते हैं। उसकी एक पुस्तक बिक नहीं रही थी। जब उसने इस पुस्तक का शीर्षक बदल दिया तो इस पुस्तक की बिक्री 10,00,000 प्रतियों से अधिक हो गई। ध्यान दें, पुस्तक के अंदर की सामग्री जरा भी नहीं बदली गई थी। उसने सिर्फ पुस्तक का कवर फाड़ दिया था जिस पर वो शीर्षक था जो नहीं बिक रहा था, और उसने उसके स्थान पर एक नया कवर लगा दिया था जिस पर एक ऐसा शीर्षक था जो बॉक्स ऑफिस के हिसाब से आकर्षक था। हालांकि ये बहुत आसान लगता है, परंतु ये विचार तो विचार ही है, ये कल्पना थी। विचारों की कोई औसत या निर्धारित कीमत नहीं होती। विचारों का रचयिता अपनी खुद की कीमत तय करता है, और अगर वो स्मार्ट होता है तो उसे वो कीमत मिल जाती है। व्यवहारिक दृष्टि से हर अमीरी की कहानी उस दिन से शुरू होती है जब विचारों का एक रचयिता और विचारों का एक विक्रेता इकट्ठे होते हैं और मिलकर काम करते हैं। कार्नेगी ने अपने आसपास ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लिया था जो वे सब कर सकते थे जो कार्नेगी नहीं कर सकते थे। लोग जो विचारों को जन्म देते थे, लोग जो उन विचारों को कर्म में परिवर्तित कर सकते थे और उन्हें एवं दूसरों को बेहद अमीर बनाते थे। करोड़ों लोग जिंदगी भर ब्रेक की तलाश करते हैं। हो सकता है उनकी खुशकिस्मती से उन्हें कोई मौका मिल भी जाए, परंतु सबसे सुरक्षित योजना यही कि किस्मत के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर ना बैठ जाए। मुझे एक सुनहरा ब्रेक मिला जिससे मुझे मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर मिला, परंतु 25 साल के लगन भरे प्रयासों के बाद ही यह अवसर मेरी पूंजी बन पाया। ये ब्रेक था कि मुझसे एंड्रयू कार्नेगी ने खुशकिस्मती से मिला और मुझे उनका सहयोग मिला। उस अवसर पर कार्नेगी ने मेरे मन में एक विचार का बीज बोया। वो बीज ये था कि मैं उपलब्धि के सिद्धांतों को सफलता की फिलॉसफी के रूप में व्यवस्थित कर इन 25 सालों में हुए शोध में जो खोजें हुई हैं उनसे हजारों लोगों ने लाभ उठाया है और कई लोग इस फिलॉसफी को अपनाकर अमीर बन चुके हैं। शुरुआत आसान थी। ये एक विचार था जिसे कोई भी विकसित कर सकता था। मुझे सहायता देने वाला ब्रेक कार्नेगी से मिला था, परंतु लगन, निश्चित लक्ष्य, लक्ष्य को हासिल करने की इच्छा और 25 वर्ष की लगन का क्या कोई अर्थ नहीं है? ये कोई सामान्य इच्छा नहीं थी जो इतनी निराश, लोगों द्वारा निरुत्साहित किए जाने, अस्थाई पराजय
आलोचना और समय की बर्बादी के बावजूद बनी रहे। ये एक प्रबल इच्छा थी, एक दीवानापन था। जब मेरे मन में ये विचार कार्नेगी ने बोया तो उसे जिंदा बने रहने के लिए मनाया गया, इसकी देखभाल की गई और इसे आकर्षित किया गया। धीरे धीरे ये विचार अपनी ही शक्ति से इतना शक्तिशाली हो गया कि इसने बाद में मुझे मनाया, मेरी देखभाल की और मार्गदर्शन दिया। फिर ये स्वयं शक्तिशाली बन जाते हैं और अपने रास्ते के तमाम अवरोधों को हटा देते हैं। विचार अमूर्त शक्तियां हैं, परंतु उनमें भौतिक मन से अधिक शक्ति होती है, जिनसे वो उत्पन्न होते हैं। उनमें जिंदा बने रहने की शक्ति है और ये शक्ति तब भी बनी रहती है जब उन्हें जन्म देने वाला मन धूल में मिल चुका होता है।